गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में कर्व क्या होता है, कर्व के टाइप, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के टाइप, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ये सब बताया। और उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने के लिए दी थी, 1 to 5 क्वेश्चन। सो 1 to 5 क्वेश्चन तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा ही, उसके बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर आपको ये सारे क्वेश्चन फिर नोटबुक में करने हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट दैट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन हेयर आर द सम फिगर्स। यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ फिगर बने हुए हैं, उन फिगर्स में आपको क्लासिफाइड करना है इनको, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में, ठीक है। सो आई होप कि आपको इनकी सबकी डेफिनेशन आती होगी। इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्टिव पॉलीगॉन, देन यू कैन ईजली फाइंड आउट फ्रॉम द फिगर दैट कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा सिंपल कर्व है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं मालूम है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया या फिर आपने अच्छे से लेक्चर को नहीं सुना, देन आप नहीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं फिगर्स का जो सोल्यूशन है, तो सिंपल कर्व में इनमें से कौन कौन से फिगर आ जाएंगे, देखिए फर्स्ट वाला आ जाएगा। फर्स्ट में देखिए सिंपल कर्व क्यों है, सिंपल कर्व ये इस वजह से है बिकॉज इसमें कहीं पे भी ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकंड, ये भी सिंपल कर्व है, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। फिफ्थ, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सिक्स, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेवन भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दीज ऑल आर सिंपल कर्व, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसमें कौन कौन से हैं। तो आई होप कि ये जितने कर्व आपको दिए हुए हैं, ये जो आपको कर्व दिए हुए हैं, वन मिनट, ये आपको सिंपल जितने भी सिंपल कर्व दिए हुए हैं ये सारे एक क्लोज्ड कर्व भी हैं, ठीक है। सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से इसके अलावा होंगे। तो जितने भी ये सिंपल कर्व हैं जो आपको ये हैं, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं। उसके बाद पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन कल मैंने आपको क्या बताई थी, द पॉलीगॉन is a simple closed curve that is made up with 3 or more line segment, ठीक है, that is made up with 3 or more line segment, that is made up with 3 or more line segment, ठीक है। so line segment जहाँ पर आ गया, वहाँ पर curve की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन सेगमेंट की जरूरत है और वो एक सिंपल क्लोज का होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है इसमें दिया हुआ है, बट फोर्थ इज नॉट अ पॉलीगॉन, फोर्थ जो है इसमें पॉलीगॉन नहीं होगा बिकॉज फोर्थ जो है इट इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें ये गलत जो है बना हुआ है, ठीक है, तो इसको आप नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, और इसमें से एक और देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, यस दैट्स इट। तो ये हो गया पॉलीगॉन। उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन कल मैंने आपको क्या बताई थी, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स शुड लेस देन 180 डिग्री, ओके। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। तो सिर्फ इसमें ये एक पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल सबका 180 डिग्री है, और पॉलीगॉन भी होना चाहिए और कॉन्वेक्स भी होना चाहिए। पॉलीगॉन, अब ये फोर्थ है तो इसमें सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री पे तो हैं, बट लेस देन 180 डिग्री पे तो हैं, बट ये एक पॉलीगॉन नहीं है।
दैट्स वाई इसको आप इस कैटेगरी में नहीं लोगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन, तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स में सिर्फ और सिर्फ आपका कॉनकेव पॉलीगॉन में इसमें ये फर्स्ट वाला जो है फिगर, ये फर्स्ट फिगर, ये जहाँ पर मैंने पॉइंटर को रखा हुआ है, ये फिगर सिर्फ कॉनकेव पॉलीगॉन होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉलीगॉन कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्थ है वो एक पॉलीगॉन ही नहीं है, तो फिर कॉनकेव कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ दोबारा से, इसी फिगर में से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये तो सिंपल कर्व हो गए, सिंपल क्लोज कर्व, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, ये सिंपल क्लोज कर्व, ये भी हो गए। उसके बाद पॉलीगॉन में फर्स्ट और सेकंड ओनली एंड ओनली, उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ओनली एंड ओनली सेकंड, और कॉनकेव पॉलीगॉन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कल मैंने आपको डायगोनल की डेफिनेशन बताई थी, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल। सो डायगोनल जो होता है किसी भी पॉलीगॉन में जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन इज नोन एज डायगोनल, ओके। सो वैसे ही अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सो उसमें कितनी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसमें कितने डायगोनल होंगे, ए रेगुलर हेक्सागोन उसमें कितने डायगोनल होंगे, ए ट्रायंगल उसमें कितने डायगोनल होंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट में, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री हो और वो एक फोर लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन हो, तो वो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी बना हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपोजिट मीन्स सामने से आने वाले, तो ए और सी अपोजिट वर्टिसेस हैं और बी और डी ये भी अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो उनको एक लाइन सेगमेंट ए सी कनेक्ट कर रहा है और बी डी एक लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दीज आर द डायगोनल ऑफ दिस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर कितने डायगोनल हो जाएंगे, टू डायगोनल्स इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में, अ रेगुलर हेक्सागोन, तो रेगुलर मीन्स मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी भी पॉलीगॉन के आगे रेगुलर लग जाता है तो वो कौन सा हो जाए, तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, थिंक अबाउट दैट, कि उसकी डेफिनेशन ये बन जाती है कि उसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। किसी भी अगर पॉलीगॉन के आगे रेगुलर लग जाता है तो उसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन बना लेंगे और वो रेगुलर हेक्सागोन का जो नेम है वो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ है। अब इसमें जो अपोजिट वर्टिसेस उनको सबको कनेक्ट करने के बाद जो डायगोनल मिल रहे हैं वो एक डायगोनल मिल रहा है ए डी ए ई बी डी बी ई एफ सी एफ बी ए सी ई सी और एफ डी, ये डायगोनल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने डायगोनल हो गए, टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन डायगोनल हो गए। तो हेक्सागोनल में कितने रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, मींस हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, नाइन डायगोनल हो गए, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे, तो मैंने कल आपको बताया था जो डायगोनल होता है वो मोर देन फोर लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगॉन में ही होगा, तो मोर देन फोर नहीं मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगॉन में ही होगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल होता है वो थ्री लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन होता है, दैट्स वाई इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा योग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री, सो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने आपको कल एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसके थ्रू ये क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ जहाँ पर करते हैं वहाँ फॉर्मूला का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कुछ
ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर कुछ हम थ्योरम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसका मेज़र, उसका सम ऑफ मेज़र, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ मेज़र कितना होगा। तो लेट करते हैं कि ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें से इन्होंने ए सी एक डायगोनल ले लिया। अब देखिए ए और सी अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो ए सी एक क्या हो गया? डायगोनल हो गया। देखिए ए सी एक डायगोनल है। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि आपको फाइंड करना है कि इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो अगर जब यहाँ पर इन्होंने इसको डायगोनल ले लिया, तो ये एक ऊपर ए डी सी एक ट्रायंगल बन गया। ऊपर वाला देखिए जहाँ मैंने ये क्लिक करा हुआ है ए डी सी, और नीचे एक ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, हो गया कि नहीं। तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल ए डी सी के एंगल का सम और नीचे वाले ट्रायंगल ए बी सी के एंगल का सम क्या होगा? ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो वन प्लस सिक्स, वन प्लस सिक्स प्लस वन मिनट, वन प्लस सिक्स वन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर वन प्लस टू प्लस थ्री क्या है? ए डी सी वाला ट्रायंगल है, और सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर क्या है? ए बी सी वाला ट्रायंगल है कि नहीं। और आपको मालूम है कि जो ट्रायंगल होते हैं उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों ही जहाँ पर वन टू, वन प्लस टू प्लस थ्री है, वहाँ पर 180 रख दो, फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंगल में आप रख दो 180। तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आप फॉर्मूले से निकालो, तो भी n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 में n इज इक्वल्स टू 4 रखने पर 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल्स टू 360 वहाँ से भी निकलता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है, जो कि उस फॉर्मूले से भी निकल रहा है। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला वो क्या है? करेक्ट है। ओके तो उसके बाद विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? सो आई थिंक कि वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव में क्या होता है? जो इंटीरियर एंगल होता है उसका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन क्या होता है? 180 डिग्री। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये एक जो पॉलीगॉन है जो आपके सामने बना हुआ है, ये क्या है? ए बी सी डी, ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो एंगल बी है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये वाला एंगल जो है आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्स एंगल है, और ये रिफ्लेक्स एंगल किससे किससे मिलकर बना है? एंगल 3 और एंगल 4 से, दिख रहा होगा। उसके बाद आते हैं, अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे। इसमें जो अपोजिट वर्टिसेस कौन सी हैं? बी और डी, इसको डायगोनल के थ्रू आप मीट कर दोगे, इसमें डायगोनल बना दोगे। तो बी डी एक डायगोनल हो गया। डायगोनल जब बन गया तो ये क्वाड्रिलेटरल टू पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल हो गया ए बी डी, और दूसरा हो गया बी सी डी। और दोनों ही पार्ट का जो सम होगा 180 180, और टोटल मिला के कितना हो गया? 360 डिग्री। समझ में आ गया होगा सबको आई थिंक। बिल्कुल वही है सोल्यूशन जैसे आपने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यस, जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कॉन्वेक्स नहीं है, तो भी उसका एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी आप फाइंड कर सकते हो। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बहुत लोगों ने कल सोल्यूशन भेजा था, उन्होंने डायरेक्ट इसका इंटीरियर एंगल सेम लिखा हुआ है, बट इसको सॉल्व करना था आपको बाय यूजिंग द फॉर्मूला एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना था। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन एन माइनस टू ब्रैकेट में देखिए और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके तो एन यहाँ पर क्या है? एन इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो यहाँ पर आप 7 माइनस टू मल्टीप्लाई
180 डिग्री, तो 5 × 180 इज को 900 डिग्री। अगर उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड कितनी है, 7। अगर उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड 8 है तो एन माइनस 2 × 180 डिग्री, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 8। 8 − 2 × 180 डिग्री, तो 8 − 2 कितना हो गया, 6। 6 × 180 डिग्री, तो 6 × 180 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 × 180 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1080 डिग्री। ओके, तो जब नंबर ऑफ साइड 8 है तो 1080 डिग्री। लेकिन आप ये किससे निकाल लो, एक सिंगल फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है, n माइनस 2 × 180 डिग्री। अब n इज इक्वल्स टू 10 है, जब n इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तो फॉर्मूला आपका वही लगेगा, n माइनस 2 × 180 डिग्री, और n की वैल्यू आप रख दोगे 10, और 10 − 2 हो जाएगा 8 × 180 डिग्री, तो 180 × 8 इज इक्वल्स हो जाएगा 1440 डिग्री। आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे इसमें सॉल्व किया गया है। उसके बाद अगर n इज इक्वल्स टू n है तो वही फार्मूला आप डायरेक्ट रख दोगे, n माइनस 2 × 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी है। तो अब पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। कल मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी पॉलीगॉन है जिसमें ऑल साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है और इंटीरियर एंगल जो उनकी मेजर होता है वो इक्वल होता है, तो वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन होता है। जैसे कि आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन, किसी भी पॉलीगॉन में अगर आप रेगुलर लगा दोगे तो वो एग्जांपल रेगुलर पॉलीगॉन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड। थ्री साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर साइड का कौन सा होता है, स्क्वायर। सिक्स साइड का क्या होता है, रेगुलर हेक्सागॉन। क्या होता है, रेगुलर हेक्सागॉन। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको जो है एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, और कुछ थोड़ा सा अपना माइंड भी लगा करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो स्टेटमेंट लिखने पर आपको उसकी जो आइडेंटिटी है, किसके थ्रू आप लिख रहे हो, उसको आपको साइड में बगल में लिखना है। सपोज दैट इफ यू आर राइटिंग एन माइनस 2 × 180 डिग्री, तो उस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो कोई ट्रायंगल है ए प्लस बी प्लस सी, कोई ट्रायंगल है उसके एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख रहे हो, तो आप वहाँ पर बगल में लिखोगे इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर सारे ही पार्ट बताऊँगा, डोंट वरी। उसके बाद सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट। ए पार्ट, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आपको ये सॉल्व करना है। तो ये पॉलीगॉन बना हुआ है जिसमें कि एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 130 डिग्री, एक एंगल है 120 डिग्री और एक एंगल है एक्स। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं, 4। तो एन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। तो वहाँ से आप एंगल सम प्रॉपर्टी से n माइनस 2 × 180 से n की वैल्यू 4 रख करके उनके इंटीरियर एंगल का सम निकाल लोगे, तो कितना आएगा, आई थिंक सबको मालूम भी होगा कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब सारे ही एंगल जो है, क्योंकि तो यहाँ पर आपने जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करा था, तो अब देखिए यहाँ पर उसका यूज़ आ गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। यहाँ पर क्या यूज़ आया, यहाँ पर एक वेरिएबल है और बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, तो आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी दैट 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सारे इंटीरियर एंगल हैं और इनका सम होता है 360 डिग्री, जो कि आपने एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड किया है, ठीक है। अब यहाँ से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, जितने कॉन्स्टेंट हैं दैट यू कैन मूव इनटू RHS, और जब RHS मूव करोगे आप उनको तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस, और जब इनका सम कर दोगे आप
तो इनका सम निकलेगा 300 डिग्री, तो 360 माइनस 300, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तभी मैंने आपको कहा था जो भी चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूँ दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर फ्यूचर चैप्टर, ठीक है ना, आपके जो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहे हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से रीड करो, अच्छे से वॉच करो और उसको अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है एक्स का। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी कौन सा पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है फोर साइडेड पॉलीगॉन, तो 1 2 3 4, तो फोर साइडेड पॉलीगॉन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके एंगल इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल 70 प्लस 60 डिग्री प्लस, आप ये वाला एंगल तो नहीं मालूम है, मालूम है क्या, तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, क्या पढ़ा है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर देखिए ये जो साइन बना हुआ है जहाँ मैंने पॉइंटर करा है, ये साइन 90 डिग्री एंगल का है कि नहीं। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उसको एक रे डिवाइड कर रही होती है टू पार्ट में, तो जो एक एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से अगर हम 180 डिग्री माइनस कर दें दूसरा वाला एंगल फाइंड हो जाता है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके बगल वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको चारों एंगल लगभग आपको मालूम है, एंगल एक्स नहीं मालूम है, तो एंगल एक्स प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स 360, तो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 360 माइनस 220 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल्स टू 140 डिग्री। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है, वन मिनट, यस ये वाला पार्ट सी। तो फिगर बना हुआ है देखिए सी पार्ट का, तो इसमें लीनियर पेयर का इसमें भी यूज़ होगा, मैंने आपको बताया 70 डिग्री ये दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके जो बगल वाला एंगल होगा ये एंगल एक्स के नीचे वाला एंगल, ये 180 माइनस 70 से निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री, और ये 60 के बगल वाला एंगल जो होगा वो भी लीनियर पेयर के थ्रू सॉल्व होगा, तो 180 माइनस 60 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो गया 110, ये हो गया 120 डिग्री, और ये एंगल आपको दोनों सेम दिए हुए हैं, एंगल एक्स एक्स, तो कोई वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो एक ही है, तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के थ्रू आप फाइंड कर लोगे। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन चेंज है, यहाँ पर अब क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यहाँ क्या है पेंटागॉन, तो पेंटागॉन के लिए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से एन इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट करके आप वहाँ से उसका एंगल इंटीरियर एंगल सम निकाल लो, तो इंटीरियर एंगल सम कितना आएगा 540 डिग्री, तो 540 डिग्री आएगा, तो सबसे पहले क्या करोगे 30 प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री, तो 540 निकाला गया है, यहाँ पर आपका 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, तो जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लो, तो लाइक टर्म कौन कौन से हैं, एक्स और एक्स, तो 2x हो गया, और उसके बाद 30 110 120, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप ऐड करके और राइट हैंड साइड में जो 540 है उसके साथ जा करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, तो 2x इज इक्वल टू 280, तो 2x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो x उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 280 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, तो आई होप ये x 140 ये भी हो जाएगा, 140 ये भी हो जाएगा, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी वाला जो पार्ट है इसका, इसमें
देखिए, कल मैंने आपको लाइन का मतलब बताया था कि ये जो डबल लाइनें बनी हुई हैं इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जहाँ पर भी डबल लाइन बनी हुई है दैट मीन्स इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो सभी लोग को देखना है कि ये कौन सा पॉलीगॉन है, कितने साइड का पॉलीगॉन है। ये साइड का पॉलीगॉन है 1 2 3 4 5, पेंटागॉन है। और कौन सा पेंटागॉन है? रेगुलर पेंटागॉन। व्हाई? क्योंकि इसमें सारी साइड जो है वो इक्वल है। ये डबल लाइन का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि बता रहा है कि ये सारी साइड इक्वल है। और इस एक्स का मतलब क्या है? ये एक्स एक्स दो हर जगह सेम है, दैट मीन्स इनके एंगल भी इक्वल है। तो ये क्या है? एक रेगुलर पेंटागॉन। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो पेंटागॉन अभी अपने क्वेश्चन कर रहा था, पेंटागॉन के इंटीरियर एंगल का सम कितना था? 540 डिग्री। लेकिन आपको फाइंड हर में करना है, ये नहीं पिछले में आपने फाइंड कर लिया तो इसमें नहीं फाइंड करोगे। आपको उस फॉर्मूले से फाइंड करके दिखाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए फाइंड किया गया एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा करके हर एक क्वेश्चन में फाइंड किया गया, तो वैसे ही आपको ही फाइंड करना है। अब एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो सारे लाइक टर्म है सबको ऐड कर दो तो 5x हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 540, 5 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 540 अपॉन में 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, सो हेंस द ईच इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री, दैट मीन्स ये एक रेगुलर पेंटागॉन है। और इससे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो ये इसमें आपको जो है एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो एंगल एक्स कहाँ पर दिया हुआ है? ये देखिए दिया हुआ है एंगल एक्स, एंगल वाई ये दिया हुआ है, और एंगल जेड ये दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा माइंड लगाओ कि ये एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड कैसे फाइंड होगा, कैसे आप फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा माइंड लगाइए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। आप इसको सोचिए कि कैसे ये एंगल फाइंड होगा, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट इसमें दे दिया गया यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, ठीक है ना। लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पहले लीनियर पेयर भी यूज़ हो रहा है। कहाँ पर यूज़ हो रहा है? मैंने आपको बताया जब कोई एक स्ट्रेट एंगल होता है उसको एक कॉमन रे डिवाइड करती है, ये कॉमन रे है, ये जा रही है जेड और 30 के बीच से, ये कॉमन रे इसको डिवाइड कर रही है स्ट्रेट लाइन को। तो इसके जो अगल और बगल वाले लेफ्ट और राइट वाले जो एंगल होंगे जुड़े हुए उस स्ट्रेट लाइन से, उनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो 180 डिग्री होगा, दैट मीन्स जेड एंगल जेड प्लस एंगल 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 30, तो एंगल जेड इज इक्वल्स हो जाएगा 150 डिग्री। ये देखिए वो एंगल जेड की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, एंगल जेड इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो एंगल एक्स निकालने के लिए भी वही चीज़ करेंगे, लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल वाई, एंगल वाई को आपको फाइंड करना है। तो एंगल वाई का जो इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा एंगल वाई, ये इससे निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसका इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, अंदर क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो 90 प्लस 30 और प्लस इसको कोई भी आप एंगल मान लो अननोन एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल के जो ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। और प्लस अननोन एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अननोन एंगल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120। तो अननोन एंगल कितना आ गया? 60। जब 60 ये एंगल आ गया तब एंगल वाई की वैल्यू निकल आएगी। एंगल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल वाई प्लस 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा
180 डिग्री, तो एंगल वाई इज इक्वल टू जाएगा 180 माइनस का 60, तो एंगल वाई इज इक्वल टू जाएगा 120 डिग्री। तो अब एंगल जेड आ गया, एंगल एक्स आ गया, एंगल वाई आ गया। एंगल जेड कितना था 150 डिग्री, एंगल एक्स कितना था 90 डिग्री, और एंगल वाई इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो वहाँ से आप इनका सम कर दोगे तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। और एवरी टाइम जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम 360 डिग्री ही होगा। ये एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एंड इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको नेक्स्ट को एक्सरसाइज में मिलेगा 3.2 में। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि जो पॉलीगॉन है जैसे इंटीरियर एंगल का सम एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री के फॉर्मूले से निकलता है, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, यूनिक होता है सारे पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वाला जो पार्ट है लास्ट पार्ट वो आपको अपने मन से करना है। ठीक है, सो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, और 3.1 आपको सभी को फेयर नोटबुक में कर करके नीट एंड क्लीन राइटिंग है मुझे दिखानी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल मैसेज यूट्यूब में कमेंट के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।